गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मैंने अमेज़न से कुछ प्रोडक्ट परचेज किए थे। तो दोस्तों इसका रिव्यू शेयर करने से पहले मैं आप सबको ये बात बता दूं, अमेज़न पे 19-23 दिसंबर तक बिग फेस्टिव सीजन सेल चल रहा है। सॉरी, फेस्टिव सीजन सेल नहीं है दोस्तों, एंड ऑफ सीजन सेल है, माय मिस्टेक। एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, ये सेल जो है सभी पे आने वाले हैं। जाबंग हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और अमेज़न पे तो अभी है ही है। फ्लिपकार्ट में आज मिडनाइट से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो परचेस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है दोस्तों। और मैंने अमेज़न से जो भी प्रोडक्ट लिया है इसके प्राइस अभी मुझे काफ़ी कम लग रहे हैं, तो मैं इन सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाके ज़रूर चेक कर लें और आपको पसंद आए तो परचेज भी कर सकते हैं ऐसा। तो दोस्तों मैंने ये शर्ट अमेज़न से मंगाया था जस्ट 250 रुपीज में, मुझे ये बहुत पसंद आया। इसके लो में आप देख सकते हैं ऐसे दिया गया है, इलास्टिक है। और इसके मटेरियल की मैं बात करूं दोस्तों तो ये काफी सॉफ्ट मटेरियल है और ये नायलॉन मटेरियल में आया हुआ है। और दोस्तों देख सकते हैं ये कुछ ऐसे आएगा, मुझे ये काफी पसंद आया है दोस्तों, ऐसे आएगा और बैक में ऐसे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं मुझे ये काफी पसंद आया है, ऐसे कॉलर स्टाइल में आया हुआ है। तो दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे भी चेक कर सकते। कुर्ता मंगाया था दोस्तों, आपको अगर याद हो तो मैंने इसमें एक कलर पिंक कलर, हाँ पिंक कलर मंगाया था, वो मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। ये मैंने अमेज़न से मंगाया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे बटन दिया गया है, फिटिंग करने के लिए ये काफी सही है। बट मुझे इसका जो स्टाइल है दोस्तों काफी पसंद आया, तो मुझे मैंने दूसरा फिर से परचेज कर लिया। देख सकते हैं बैक में इसके ऐसे बटन दिया गया है जो मुझे काफी पसंद आता है। तो मैंने इस कुर्ते के ऊपर दोस्तों, वो कुर्ता मैंने पिंक कलर में लिया था, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो इसको मैं फिर से आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि दोनों एकदम सेम है, ब्रांड भी सेम है दोस्तों, इंडिवेस्ट का। मुझे सही लगा, वो वाला प्रोडक्ट भी सही था, ये वाला प्रोडक्ट भी सही लगा। हैंड में आप देख सकते हैं ऐसे फोल्डर स्लीव दिया गया है, ये प्योर कॉटन मटेरियल है दोस्तों, ये काफी अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने ये परचेज कर लिया। जब मैंने इसे परचेज किया था दोस्तों मैंने 450 में लिया था और अभी मैंने देखा तो ये 399 में मिल रहे हैं, हाँ 399 में मिल रहे हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहे तो जरूर चेक कर लें दोस्तों। मैंने ये झुमका मंगाया था, देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ ऐसे झुमका आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे हमें ऐसे करने के लिए काफी अच्छा लगेगा दोस्तों, ऐसे लगा के अगर हम पहनेंगे तो। देख सकते हैं ये कुछ ऐसे झुमका आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसे लगा लेंगे। तो दोस्तों मुझे ये झुमका काफी पसंद आया है, आप खुद देख सकते हैं, अभी वेडिंग सीजन भी आ रहा है तो वेडिंग में पहनने के लिए तो ये मुझे बेस्ट लगा, इसलिए मैंने ले लिया दोस्तों। इससे मैंने अराउंड 450 कुछ ऐसे लिया था, बट अभी मैंने इसका प्राइस देखा तो 400 में मिल रहा है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लेना, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देख सकते हैं ये कुछ ऐसे आएगा, अगर आप चाहो तो विदाउट उस लटकन के भी इसे पेयर कर सकते हो, काफी अच्छा लगेगा, देख रहे हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा इसका रिव्यू जो है आपके साथ शेयर करना तो बनता है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो इसके साथ लटकन भी इसका लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार जरूर चेक करना। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और दोस्तों आप मुझे ना कमेंट करते हो ना लाइक करते हो, आप बता तो सकते हो मैं वीडियो अच्छा बना रही हूँ या बेकार बना रही हूँ। तो दोस्तों ये तो बहुत ही गलत बात है, आप वीडियो भी ज्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन जो भी पर्सन मेरे वीडियो देखते हैं तो आप उसमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें मैंने वीडियो कैसा बनाया है। जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो सही दे रही हूँ या गलत दे रही हूँ
ये सबके ऊपर आप मुझे कमेंट्स दे सकते हैं दोस्तों। आप अगर कमेंट्स दोगे, बताओगे कि दी आपने अच्छा वीडियो बनाया है, आपने बेकार वीडियो बनाया है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अरे मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों ये तो बहुत ही गलत बात है, आप ना ही लाइक करते हो ना ही शेयर करते हो, सब्सक्राइब तो छोड़ ही दो, एटलीस्ट जो है मेरे सब्सक्राइबर वो लाइक शेयर एंड कमेंट्स तो कर ही सकते हैं ना दोस्तों। आप कमेंट्स नहीं करते हो, मुझे बहुत बहुत मैं क्या बोलूं दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फीलिंग नहीं आता है, क्योंकि आप कमेंट्स करके मुझे बताओगे मैं अच्छा वीडियो बना रही हूँ। आप निगेटिव कमेंट भी कर सकते हो दोस्तों, लेकिन बेकार वाला निगेटिव कमेंट भी मत करना, वीडियो के रिगार्डिंग ही करना, मैं वीडियो सही बना रही हूँ या गलत बना रही हूँ, मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ वो सही है या गलत है। अगर आप ऐसे करके मुझे कमेंट्स करोगे तो मैं अंदर से मोटिवेट होऊंगी दोस्तों, और मैं अपना वीडियो और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। और आपने कमेंट्स में कुछ निगेटिव भी बोला है तो मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी कि हाँ मेरे वीडियो में ये कमी है। तो दोस्तों प्लीज 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 दोस्तों आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर देना। ओके दोस्तों, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू।